You're not in any trouble. With the flight due to depart in 15 minutes, this man won't be travelling anywhere. तो ट्रैवल से रिलेटेड दो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और हवा हवाई बात ये नहीं है और ये नहीं सोचना कि ये झूठ न्यूज है, क्योंकि आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में देखा क्योंकि बीच में बहुत सारे एयरपोर्ट पर इस तरह के साथ दोस्तों इंडियन के साथ बेसिकली प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता है कि उस कंट्री में हम कितना कैश लेकर जाते हैं। तो आप जहां से भी दोस्तों टिकट कराते हो, जहां से भी आप ट्रैवल एजेंट से आप टिकट कराते हो, तो उससे अपना ज़रूर पूछ लें कि वहां मैं कितना कैश लेकर जा सकता हूं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होता है और फिर आप सोचते हो कि मैं डॉलर में एक्सचेंज कर लूँगा और फिर लेके जाऊँगा तो मुझे कोई धरपकड़ नहीं होगा। तो वहाँ का भी हर कंट्री का एक लिमिटेशन है, तो आप ट्रैवल करने से पहले दोस्तों आप ट्रैवल एजेंट से ज़रूर पूछ लें, या तो फिर अगर आपको जानकारी है तो गूगल भी कर लेंगे तो आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा कि उस कंट्री में हम कितना कैश लेकर जा सकते हैं, पहला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरह का मामला आया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, पहले तो मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में बैठ जाता है, बोलता है नहीं नहीं मैं तो दो दो सिम तीन तीन सिम लेकर जाता हूं, और बेसिकली अभी दुबई के लिए बहुत सारे लोगों को दोस्तों एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी भी हुई है, एयरपोर्ट पर वार्निंग भी दिया गया है, और इंडिया से भी दोस्तों जो प्लान कर रहे थे दुबई जाने के लिए सिम लेकर, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। मैंने पहले स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखा रहा हूं, तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीनशॉट पर भी मैं लगा कर दिखाया, बेसिकली दुबई और थाईलैंड के लिए बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अगर आप यहां से सिम लेकर, जब ये मामला आ रहा है दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं कि वहां सिम लेकर जाते हैं, ज़्यादा पहले तो केरला में लेकर जाते हैं, केरला से दोस्तों इंडिया में जो भी है स्कैम करने वाले केरला में लेकर जाते हो, केरला से लेकर जाते हैं दुबई में थाईलैंड में, और वहां से वोडाफोन और एयरटेल का सिम से क्या होता है दोस्तों कि वहां नेटवर्क कनेक्ट कर लेता है और उस नेटवर्क से दोस्तों फ्रॉड का कॉल करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो जब से ये सब मामला आया दोस्तों एयरपोर्ट पर भारी चेकिंग हो रही है, तो अगर एक सिम लेकर जाते हो तो उतना वो लोग चेक नहीं करता है, लेकिन अगर दोस्तों दो तीन सिम या फिर आपके लगेज बैग में अगर सिम निकल जाता है तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पहले जैसा नहीं है। तो आप अगर कहीं के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। बेसिकली मेरा जो सजेशन है, अगर आप इंडियन सिम लेकर जाना चाहते हो तो ना लेकर जाएं, अपने घर पर ही रखें, नहीं तो आपके साथ भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।